पितृदोष मुक्ति का महापर्व पितृपक्ष का प्रारंभ भाद्रपद पूर्णिमा से होने वाला है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण पिंडदान श्राद्ध किया जाता है, जिससे नाराज पितृ प्रसन्न हो जाएं और पितृदोष से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए। इस तरह से पितृपक्ष पितरों की नाराजगी दूर करने का महापर्व होता है। पितृपक्ष के 16 दिन पितरों को खुश करके उनका आशीर्वाद लेने के लिए होते हैं। आपके पितृ किस तिथि को प्रसन्न होंगे, इसके लिए उनके देहांत की तिथि जाननी जरूरी है। आइए जानते हैं पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है और इसकी तिथि कौन कौन सी है। पितृदोष मुक्ति का महापर्व पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है, आप ये विस्तार से जान लीजिए। ज्योतिषाचार्य के अनुसार पितृदोष मुक्ति का महापर्व पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक चलेगा। इसके 16 दिन पितरों को समर्पित किए जाएंगे। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंश से तर्पण पिंडदान या श्राद्ध से तृप्त होने की उम्मीद रखते हैं। जो लोग पितृपक्ष में अपने पितरों को तृप्त नहीं करते, वे उनके श्राप और नाराजगी का शिकार बन जाते हैं। वे दुखी होकर श्राप देते हैं, जिससे व्यक्ति पूरे जीवन परेशान रहता है। यहां तक कि संतान सुख से भी वंचित हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके पितृ तिथि विशेष को ही क्यों खुश होंगे। इसका जवाब यह है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस दिन की तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पितृपक्ष में उस तिथि पर ही उस पितृ के लिए श्राद्ध तर्पण आदि किया जाता है। पितृपक्ष की निश्चित तिथि पर अपने पितरों के लिए भोजन दान, पंचबलि कर्म, तर्पण पिंडदान, श्राद्ध आदि करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और आपके पितृ इससे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।